हाय, मैं हूँ बरखा और ये है वर्ल्ड ऑफ बॉलीवुड, योर डेली डोज ऑफ बॉलीवुड मैडनेस, द लेटेस्ट गॉसिप, इनसाइड स्कूप्स, लव स्टोरीज, हेट स्टोरीज, ऑल दैट मेक्स योर फेवरेट स्टार्स ब्लिंक एन आई. सो सिट बैक एंड एंजॉय दिस राइड, बट फर्स्ट लेट्स चेक आउट द हेडलाइंस. शो की शुरुआत करेंगे फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो के स्टारी रैप अप बैश से. दिखाएंगे एक मैगजीन के लेटेस्ट एडिशन लॉन्च पर आए सोनम कपूर और इमरान खान की फन फिल केमिस्ट्री. हॉट फैक्टर में दिखाएंगे पीपल मैगजीन के लिए शाहरुख खान का लेटेस्ट फोटोशूट. खोलेंगे रणबीर कपूर की ABCD गर्लफ्रेंड्स का राज. एक लंबे और हेक्टिक स्केड्यूल के बाद फाइनली खत्म हो गई शाहिद और इलियाना स्टारर फिल्म फटा पोस्टर निकला हीरो की शूटिंग. और फिल्म के कंप्लीट होने के बाद रिलैक्स करने एक साथ इकट्ठा हुई इस फिल्म की पूरी कास्ट एंड क्रू. लेकिन फिल्म के गाने में इलियाना के अगल बगल घूमने वाले हीरो शाहिद कपूर ने यहाँ ली सबसे लेट एंट्री. गाइस, सबसे एंड में हीरो स्टाइल एंट्री मारी आपने. फिल्म के पूरे फ्लेवर में है क्या? नहीं, एक्चुअली मैं आई वाज बिजी द होल डे. I was working and stuff, so I got a little late coming here. In fact, शाहिद को यहाँ मीडिया का जमावड़ा देखकर झटका लगा, क्योंकि वो तो यहाँ एक कैजुअल डिनर सोच कर आए थे. Actually, I didn't know that you guys are going to be here and that it's such a major affair. I just thought it's going to be casual dinner. So I've come here in that mood, like in a casual mood. Well, शाहिद, जहाँ आप रहेंगे वहाँ मीडिया तो आपके अगल बगल रहेगा ही. तो आप पीछे चलें तो सब लोग फिट आ जाएंगे. तुम मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. वैसे इस पार्टी में एक एक्ट्रेस ऐसी भी थी जिसे इस फिल्म के कंप्लीट होने की सबसे ज्यादा खुशी थी, और वो थी इलियाना, क्योंकि फिल्म में एक्शन करते करते इलियाना हो गई थी काफी परेशान. इफ यू हैव टू डू स्टंट्स, यू हैव टू बी ट्रेन्ड, बिकॉज़ आई गॉट थ्रोन इनटू अ वॉल बिकॉज़ आई एम नॉट ट्रेन्ड इन डूइंग स्टंट्स. इंटरेस्टिंगली इलियाना की इस शिकायत को लेकर ऐसा ही कंसर्न शाहिद कपूर ने भी जाहिर किया. शी वाज वेरी नर्वस व्हेन वी वर डूइंग द एक्शन, बिकॉज़ वो कहती है कि हमेशा उसकी स्किन बहुत सेंसिटिव है, तो वो बहुत आसानी से ब्रूज हो जाती है, तो शी वाज वेरी पैरानॉइड अबाउट दैट. एक दो ऐसे कुछ शॉट्स थे, सो she was unsure about it. We tried our best to make her comfortable. Well, उम्मीद करते हैं इलियाना कि फिल्म मेकर्स ने आपके इस कंप्लेन को सुन लिया होगा. That was thrown into a wall because I'm not trained in doing stunts. So yeah. और वो आगे से इस बात का ध्यान रखेंगे. If you have to do stunts, you have to be trained. Moving on to other guests, there was Mika Singh, जिन्होंने दी ये छोटी सी परफॉर्मेंस. तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. तू मेरे अगल बगल है, मैं तेरे अगल बगल हूँ. कोरियोग्राफर बॉस को संजय मिश्रा, दर्शन जरीवाला, सौरभ शुक्ला और टीनू आनंद भी, जो इस फिल्म के हीरो के रोल में खुद को फिट बैठाने की कोशिश करते नजर आए. बड़ा पोस्टर निकला मैं. वेल, तो ये रहा इस फिल्म का रैप अप बैश. गुड लक टू देम. लंबे वक्त के बाद एक साथ आए द आई हेट लव स्टोरी कपल इमरान और सोनम. और यहाँ इमरान ने सोनम के हील्स को हाथ में उठा लिया. तो सोनम ने इमरान के क्वर्की सॉक्स का सीक्रेट बता दिया. He likes क्वर्की सॉक्स. What are the socks you wearing today? दोनों ने की एक दूसरे की तारीफें. I get to wake up every morning and come to work with a beautiful woman like this. और साथ ही की ढेर सारी मस्ती. वेल, ये तो बस एक झलक है इमरान और सोनम की कैंडिड केमिस्ट्री की, जो नजर आई ऑन इट्स पीक एट द अनवीलिंग ऑफ देयर लेटेस्ट मैगजीन कवर, जिसमें इन दोनों ने दिए हैं कुछ विंटेज रोमांटिक पोजेस. तो इस कवर को लेकर कैसे शुरू हुआ इनका क्वर्की इंटरेक्शन, चलिए आपको दिखाते हैं. Both ways. Like I keep on telling when we were shooting for I Hate, I was like, if you look more beautiful than me, I'll be really upset with you. Oh God. You're looking very pretty, Brian. Yeah, baby.
He's so gorgeous. I mean, he's the best looking guy we have in our industry. So I used to get really upset because his skin was glowing and I was like, oh my god, I look awful right now next to him. So did you have a glowing skin competition amongst yourselves? Yes, he always won. What does your wife say? Does she like you as the rugged Imran or the clean-shaven chocolate boy kind of? She hates any kind of facial hair, and any of you girls who have husbands or boyfriends will probably understand why. I wonder why. The basic problem is that beard and moustache looks very good from far, but once we actually get up close, girls don't like it. Yeah. Very interesting statement that you said in the Stardust magazine. What did you say? Which is about, I can't keep going about thinking about the kisses that I have to do on screen. Are you getting so much of it that you don't think about it? This is possibly the greatest perk of being an actor. I get to wake up every morning and go to work with the most beautiful women in the country. And you're married. And I'm married. Go side, go personal. But for professional reasons, I get to wake up every morning and come to work with a beautiful woman like this. Oh. Yeah, this is work. Well, इन सारी बातों से आपको अंदाजा तो लग ही गया होगा कि कितने फन मूड में थे सोनम और इमरान यहाँ। तो ऐसे में एक दूसरे की टांग खिंचाई करने से भला ये कैसे चूक सकते थे। उस पर शो के होस्ट सिद्धार्थ कनन के सवालों ने इस इंटरेक्शन को और भी इंटरेस्टिंग बना दिया कुछ इस तरह से। She says, you're one of those rare Bollywood stars who allows her to wear heels. Sonam, is that true or not? She's wearing beautiful heels. Sonam, you want to show your heels? I can't. Just hold this, hold this. This is okay. The most interesting. How many are you? Thank you, Imran. You see, he's such a gentleman. Honestly, thank you. Imran doesn't mind because he's confident about himself. So I get to wear heels with him. He's also because he's taller than me, so it doesn't look that bad when I wear heels with him. But he doesn't mind it, and he's such a gentleman. Other stars mind. I'm not falling into that trap. I love the way you put the heels on for Sonam. So is that like a full-time job at home as well? I mean, you look very professional. I like the whole way you move the heels. Yeah, if you see the number of shoes that my wife has, goodness, it's insane. She told me maximum 30 pairs. How many are there? 65. Something which is very quirky about it. Come on, say it. He likes quirky socks and... I knew you were going to put this on. Do I have to? What are the socks you're wearing today? Show your socks. Put it up. He loves crazy socks. Like all the weirdest... Always entertaining socks. Socks that you can find, he'll wear. I have more socks, I think, than any other article of clothing. Yeah. So that means you only wear socks to bed also. Meaning. One quirky thing that you know about Sonam. He listens to old lady music. Old lady music? Old Hindi music. Is that old lady music? Old lady music. Old lady music. It's the type of music my grandmother would listen to. Like Soja Mohan Pyare types. Like that, and even if it's English music, it's always some obscure 20s jazz. These people who have died before my parents were born. It's very good music. Listen to this song. और इन सारी सोशल और जनरल बातों से बढ़कर बात जब पर्सनल लाइफ की आई तो उस पर भी पापा अनिल कपूर को ड्रेसअप करने से लेकर अपने भाइयों की पजेसिवनेस जैसी बातों पर एक बार फिर जाहिर हो गया कि इमरान और सोनम एक दूसरे के कितने करीबी दोस्त हैं। इमरान I tell you why, because I dress my dad up, okay? So, there has been a difference in the way that he dresses. Now, right? but Imran has his, like, my dad is really like, he's very good with the collars up and, you know, the handlebar moustache. And he's very munna, you know, he's really good with that whole But and he loves his suits and stuff like that. But like the cooler stuff, like Imran has his own like quirky vibe going. I always, like, if anybody asks me the most fashionable, I always say Imran. Not because he's my friend, because I actually think he's really fashionable. So I've gone to our house for dinner and there are like 5 people there. There's Avantika, there's me, there's her mom, her brother, just this many people.
father would come down wearing shirt and a cardigan over it, leather shoes. And I'm feeling like, oh God, I've come badly, very badly underdressed. I've gone in t-shirt. Madam will come down in a gown. Her mother will come in another number. It's the whole family. You've gone with Mr. Anil Kapoor like buddies. He's very chill. Yeah. He's damn cool. You dress up really well. Thank you. So usually styles in yes. all Yes. We read somewhere that she's gonna get married soon. Yeah, what is that? That is so nonsense. Yeah. My sister's a baby, She's a baby, she's not getting married. I told her you cannot get married till I don't get married, and I'm not getting married for a very, 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 very long time. Whoever has to get married to me has to go through like 6 brothers, half of them are in the industry. My father actually once told me that he doesn't believe in marriage, he thinks it's a very old-fashioned concept. Wow. So I was like, why did you get married? I said, is it just because of me? And then my brother says, you don't need to get married. I can take care of you. I said, I can take care of myself. None of my brothers are possessive. Like, they think if I, like I'm partying with my brothers and stuff like that. But, no, they're not possessive. Are they possessive? No, they're not. Arjun's not. See, she doesn't get to hear of it, but within the industry, there is buzz. Strong buzz. The word is spread throughout the industry. शायद इसीलिए जब यहाँ किसी ने सोनम से बिकिनी पहनने या ना पहनने को लेकर उन्हें नाराज करने वाला एक सवाल पूछ लिया, तो उस पर भी इमरान ने सिचुएशन को काम डाउन करते हुए सोनम के सपोर्ट में दिया अपना ये जस्टिफिकेशन. Hi Sonam, I've been always saying that you never wanted to, you know, adore a bikini, but I never said that. Normally, I never said that. I think you're mistaking me with another Sona. Okay, but now you'll be wearing a bikini for sure in a Yash Raj movie. Who says? I haven't said I'm wearing one or not. You know, for a woman to ask me this question is really shameful, especially in a country that's going through so much where women are concerned and stuff like that. I am going to be on a beach or in near a swimming pool. I'm not going to wear jeans and jump into a pool, am I? Imagine asking an international actor this question. Case film mein aapne kissing scene kiya hai. You'd be sitting there with the most confused expression on his face saying, and? Is there more to the question? Okay, I understand. So the fact that we actually bring it up and talk about it, and the fact that it is something that has to be addressed, is, in my opinion, what is wrong. Well, of course, अगर बॉलीवुड के बाकी स्टार्स भी आप दोनों की तरह चिल्ड आउट होकर अपनी रिलेशनशिप्स के बारे में खुलकर बात करने लगे, तो शायद हमें भी इस तरह के ट्रिकी सवाल ना पूछने पड़े. बट अफसोस, इंडस्ट्री में सीक्रेट्स रखने वाले स्टार्स की कमी नहीं है, विच इज वाई वी हैव टू कीप स्पेक्यूलेटिंग. एनीवे, वी होप टू सी यू टू द वे यू आर, फ्रेंडली, क्वर्की एंड कैंडिडली इन लव. सुरुचि भटपुरकर, कोरे, जिंक, मुंबई. आज के शो में हमारे हॉट फैक्टर बने हैं चेन्नई एक्सप्रेस के ड्राइवर शाहरुख खान, जिन्होंने हाल ही में पीपल मैगजीन के लिए किया एक फोटोशूट. चेक इट आउट. You're watching the making of the People Magazine cover with me on it. As far as the king in the castle is concerned, I find that very, not embarrassing, but I feel shy of more than a house as a home. Half the time I read, people say I'm very old. Half the time I read, people say that I'm younger than. I don't feel my age at all. I'm 47. I think I'm one of the first actors who start talking about the age. And, right. And I have no qualms about it. I like the one on the terrace where the hair is flat. I don't like being proper prissy and dressed up, combed hair. Most of the day, I roam in my bedroom of that. I look like this only. Yeah. Only when I come in front of the camera do I change gears into being someone else.
magazine is because of the cover of Samantha Fox. So I mean, when you started off with it, whenever you've told me, I've had fun doing the interviews. The pictures are very glamorous. Is that the right word to use? आजकल रणबीर कपूर हो गए हैं इतने बेशरम कि उनके घर में गर्लफ्रेंड्स की ABCD शुरू हो गई है। इंटरेस्टिंगली रणबीर की गर्लफ्रेंड ए को उनके गर्लफ्रेंड बी के बारे में नहीं पता और सी को डी के बारे में कोई खबर नहीं। वेल, अब आप खुद ही सोचिए कि एक ही घर में अपने पापा की नाक के नीचे ये काम तो कोई कैसनोवा ही सफाई से अंजाम दे सकता है। तो रणबीर की गर्लफ्रेंड्स की ABCD का ये खुलासा हमने नहीं बल्कि खुद उनके डैड ऋषि कपूर ने किया है, जो आजकल बेशरम रणबीर के प्यार की इस पाठशाला में हेडमास्टर की तरह उन पर नजर रखे हुए हैं। लेकिन इन हेडमास्टर साहब को शायद ये नहीं पता कि उनके बेटे R फॉर रणबीर, S फॉर स्पेन में K फॉर कैटरीना के साथ अपने बदतमीज दिल की कितनी बदमाशियां दिखा चुके हैं। अब तो क्या बुरा क्या भला है फर्क पहचानना, खड़ा है कम वक्त छोड़ना जानना। और अब ये दोनों एस फॉर श्रीलंका में साथ साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे हैं। सवाल है कमाल है जानना जानना। वेल ऋषि जी, हम तो यही कहेंगे कि थोड़ा ध्यान रणबीर की तरफ भी दीजिए, क्योंकि अगर मीडिया में फिर से रणबीर की उनकी ABC या D में से किसी भी गर्लफ्रेंड के साथ ऐसी पिक्चर्स लीक हो गई और इस बात का फसाना बन गया तो फिर मीडिया को डी फॉर दोष मत दीजिएगा। And that's all that's making news for now. आपको हमारा ये शो कैसा लगता है ये आप हमें बता सकते हैं SMS करके Zing Space Feedback to 57575 और हमें ईमेल कर सकते हैं @zing@znetwork.com. You can now follow us on Twitter. Log on to www.twitter.com/zingtv. So that's all for now. But stay tuned as we ensure to keep you updated on all the latest buzz from Tinseltown exclusively on Zing.